गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर और राजेंद्र सिंह सागर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें जो हमारे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी रह रही थी, हम उसे कम्प्लीट यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड। तो ये आपकी कब से थी? ये थी आपकी 1989 से टिल नाउ, अब तक। अब तक ठीक है, पांचवी पीढ़ी में हमें क्या क्या देखने को मिला, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ड्यूल एसआई, अब लोग आपने क्या क्या आप लोग आपने पढ़ा है? आपने वैक्यूम ट्यूब पढ़ा, ट्रांजिस्टर पढ़ा, आईसी पढ़ा और आपका माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, ये सभी आपके कंप्यूटर को तेज गति से कार्य करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और विद्युत प्रवाह के लिए। अब इसमें नया आया एक ULSI, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट है। इसमें होता क्या था, इसमें अब इसमें छोटी छोटी 30,000 से लेकर 1 लाख तक, 30,000 से लेकर 1 लाख तक की आईसियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें काम करते हैं इसका। ठीक है, और अब ये खुद सोचो कितनी जल्दी या फास्ट काम करता होगा। इसमें हमें देखने को मिला AI, AI ये आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके रोबोटिक कार्य होते हैं, जितने भी होते हैं वो सभी रोबोटिक की मदद से होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कह सकते हैं हम, जो बिल्कुल जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचे, यानी कि जैसे कि भाई हमारे रोबोट होते हैं आज के टाइम में, जिनमें जितने भी कार्य दिए जाते हैं वो खुद ब खुद हमारे आधे से ज़्यादा काम रोबोट कर रहे हैं, रोबोटिक मशीन कर रहे हैं। तो उनमें सब में हम पहले ही डाटा फीड कर देते हैं। जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने मान लिया, हमें को मान लिया भी हमें इस हफ्ता में मंडे को बाजार जाना है, संडे को कहीं और फिल्म देखने जाना है, ट्यूजडे में हमें कहीं हॉस्पिटल जाना है। तो अलग अलग दिन होते हैं इंसान के, कहीं भी कुछ भी काम करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है हम डेटा सारा सारा अपने दिमाग में याद रखें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम इसमें फीड कर देंगे। तो जैसे भी ये मंडे आएगा, हमारा मंडे में बता देगा भाई आपको आज बाज़ार जाना है, ट्यूजडे आएगा तो ये बता देगा आपको जैसे अगर हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जाना है, या फिर मूवी देखने जाना है तो मूवी देखने जाना है। ये हमारे आगाह करता रहेगा, तरह से हमें याद दिलाता रहता है। ठीक, जैसे मान लो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, मेमोरी कमज़ोर है उनकी थोड़ी सी, तो भाई अक्सर हो जाती है भाई बुढ़ापे में, थोड़ी सी याददाश्त इंसान की कमज़ोर उसे भी की हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, ये आपको क्या करना है, इसमें पहले से डाटा फीड कर देना है। आप अगर घर पर नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, आप डाटा फीड कर देंगे। आप डाटा फीड कर देंगे तो वो अपने स्मार्टफोन की मदद से उन्हें जानकारी मिलती रहेगी कि उन्हें कब क्या करना है, कब दवाई लेनी है, कब खाना खाना है, कब क्या चीज़ करनी है। ठीक है, या जैसे आप एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ साथ साथ में, जैसे कि भाई आपके आप बोलते हैं AI में इसके, आप बोलते हैं स्मार्टफोन में ओके गूगल सर्च द ट्रेंडिंग वीडियोज़, तो ये आपकी लैंग्वेज को समझ कर तुरंत उसके जितनी भी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही होती हैं वो आपको शो कर देता है। ठीक है, तो जो भी हम सर्च करते हैं, अब तो क्या होता, पहले हम बोलते थे, पहले हम सॉरी पहले हम हाथों से लिखते थे, उसके बाद हम
हमारी सर्चिंग चलती थी, लेकिन अब हम बस मुंह से बोलते हैं, खुद ही समझकर काम कर लेता है इसका दोस्तों। इसको एक और पार्ट है, ये आपका क्या होता है, बहुत से लोग पूछते हैं सर ये इनपुट है या आउटपुट है। भाई ये इनपुट भी है आपका, आउटपुट भी है, समझा देता हूँ कैसे, एक बार देख लें, बोर्ड पे देख लेंगे। इसका अर्थ होता क्या है, इसका होता है आवाज पहचानने की शक्ति कह सकते हैं आप, या क्षमता। इसमें आवाज पहचानने की क्षमता होती है। अब ये आपका इनपुट भी आउटपुट भी है। ये आपका इनपुट आउटपुट होता कैसे है भाई, ये आपका इनपुट आउटपुट देखो, अगर हम कुछ भी चीज़ मुंह से बोल रहे हैं तो वो हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में जब मान लो हम मोबाइल सर्च कर रहे हैं ट्रेंडिंग वीडियोज, तो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं जो लिखा जाए वो तो होगा हमारा इनपुट, लेकिन जो हमें सर्च होकर दिखा रहा है उसका जो रिजल्ट दिखा रहा है वो होगा हमारा आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों में ही आता है, ठीक है। इसमें बने कंप्यूटर हैं आपके, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एचडी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर तारना है उतार सकता है। इसके आगे चलेंगे हम, दो मिनट के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पर, तो अभी आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपकी एचडी के बारे में, तो इसमें ही मैं आगे बताऊंगा अभी। हाई डेफिनेशन इसे किसमें मापी जाती है, तो इसको हम नापते हैं डीपीटी, इसका आएगा आपका डॉट पर इंच। तो कैसे भी आपने जैसे किसी भी कैमरे से आप पिक्चर खींचते हो, जितने मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा होगा उतनी ही वीडियो या आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी, ठीक है। जैसे कि भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखना, फ़ोटो की क्वालिटी जो होती है हमारी, जितने हमारे इमेज में पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी क्वालिटी बेहतर होगी, जितने पिक्सल कम होंगे इमेज उतनी ही कम होगी, ठीक है। एक पिक्चर में हमारे जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे पिक्चर इतनी ही अच्छी और बेहतर बनेगी, लेकिन जितने ही पिक्सल कम होंगे तो पिक्चर उतनी ही हमारी ख़राब यानी बेकार क्वालिटी में आएगी, ठीक है। इसमें क्या था आपके भाई, वैसे तो ऑप्टिकल डिस्क के सभी लगभग, ऐसा कोई नहीं बचा आज की दुनिया में जो ऑप्टिकल डिस्क को ना जानता हो, बस थोड़ा सा नाम चेंज है। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की जगह आपको डीवीडी प्लेयर वाली कैसेट बोलूँ तो लगभग हर किसी ने देखी होगी, वो पहले सीडी चलती थी ना, सीडी प्लेयर होता, डीवीडी प्लेयर होता, उसमें कैसेट लगती थी दोस्तों, उसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इसमें क्या है, बहुत सारा डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है इसका यूज, ठीक है। और हमारा इसमें लगभग हमारी 5वीं पीढ़ी कंप्लीट हो चुकी है भाई, इसमें जितने भी हमारे रोबोट हैं, रोबोट कैसे, रोबोटिक वर्क जो भी हमारे चल रहे हैं आज के टाइम में, जो भी हम भाई जैसे कि आपके अंतरिक्ष में जाते हैं कुछ रोबोट, ठीक है, वहाँ पे वो उनका अलग काम होता है, कुछ रोबोट सेना में शामिल किए जा रहे हैं उनका यूज अलग हो रहा है, कुछ रोबोट हमारे डेली यूज के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे कि भाई आज के टाइम में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जापान में वेटरों की जगह रोबोटों का ही यूज किया जाता है, वो आपका आप ऑर्डर दीजिए, वो अपने आप आपके टेबल तक आपका खाना सर्व कर देंगे, खाना पहुँचा देंगे। तो भाई हर
तो ये क्या होता है, ये आपके एआई की मध्य से ही संभव हो पा रहा है, क्योंकि ये लगभग इंसानों के जैसे ही सोच सकता है। ठीक है, तो ये सब आपकी पांचवी पीढ़ी में ही हो रहा है, आपसे पहले ही किसी पीढ़ी में नहीं, कंप्यूटर की किसी भी पीढ़ी में नहीं होता था। ठीक है, तो आज की हमारी जो पांचवी पीढ़ी है यहाँ पे ख़त्म होती है, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जानकारी, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी। सॉरी यहां लिख देता हूं फर्स्ट, वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर था तो भाई क्रेवन। ठीक है, लेकिन बना किसके बेस पे था, ये बना सीडेक के बेस पे, सीडीसी सीडेक 666 सीडीसी 660। ठीक है, ये बनाया कितने था, ये था सैमुअल क्रे, सैमुअल क्रे। तो इन्होंने इस पर काम करते हुए आगे चल के कंप्यूटर बनाया क्रेवन। ठीक है भाई, जैसे कोई चीज़ एक चीज़ बना ली, ठीक है, उसको भी बेहतर भी तो बनाना पड़ता है। जैसे मान लो भाई किसी ने शुरू में साइकिल बनाई थी, तो साइकिल में उस समय पैडल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब साइकिल बनाई किसी ने, फिर उसके बाद उस पर और काम किया, तभी तो उसमें पैडल आए, और फिर धीरे 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 साइकिल आज के टाइम में ऐसी आ रही है कि साइकिल को विद्युत द्वारा भी चला सकते हैं। यानी एक चीज़ बार चीज़ बन गई, धीरे धीरे उस पर काम करना होता रहता है, उस पर काम करते रहते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना के छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसे उस पर धीरे धीरे काम करते हैं और उससे बेहतर से और भी बेहतर या बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सैमुअल क्रे, थोड़ा साफ नहीं चमक रहा, ठीक है, सैमुअल क्रे। तो इन्होंने अपना अपने नाम पर ही कंप्यूटर बनाया, जैसे भाई मैंने आपको बता चुका हूँ, लगभग जो वैज्ञानिक जो पहले साइंटिस्ट आविष्कार करते थे कंप्यूटर का, लगभग अपने नाम पर ही उसका नाम रख लेते थे। इसका नाम था क्रेवन, क्या था आपका, क्रेवन, क्रेवन। ठीक है, इसका नाम था क्रेवन, इन्होंने ही अपने नाम पर पहला कंप्यूटर बनाया। फ्लोटिंग, अभी बात ध्यान रखें भाई, वर्ल्ड की हो रही है, इंडिया की नहीं हो रही है। ठीक है, कभी आप कह लोगे भाई इंडिया का, अभी इंडिया के बारे में भी बात करेंगे हम। अब वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्ल्ड का है, ये किसने बनाया भाई, ये बना आपका अमेरिका ने, यूएसए बना था, ये बना था 8 जून 2022 किसके लिए बनाया गया भाई, ये कोविड-19 के इलाज के लिए और सुपरफास्ट गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके नंबर पर था, ये तो होगा आपका फर्स्ट, सेकंड है आप, फुगाकू, ये किसका है आपका, जापान, किसका है भाई, जापान।
जापान, ये कब बना आपका? 23 जून। भाई ये सब तो आपने पढ़ लिया, अब बात कर लें थोड़ी सी इंडिया के बारे में, बात कर लेते हैं। अपने देश को तो भाई कोई भी पीछे नहीं छोड़ता अपने देश में, हमारा देश में भले ही चीज़ें लेट आई मगर जैसे भी आई बहुत तेज गति से विकास हुआ उनका, ऐसा विकास तो लगभग किसी देश में नहीं हुआ जितना इंडिया करता है, तो वही हम पीछे नहीं है किसी से भी। तो स्टार्ट करते हैं, हम इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इंडिया में बना जो पहला कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ, ठीक है। अब कहते ये तो इंडिया में बन गया कंप्यूटर, ठीक है। परम 8000, ठीक है। कहीं कहीं पर ऑप्शन परम भी आता है तो ऑप्शन परम भी ठीक है, अगर पूरा लिखे मिले परम 8000 तो और भी अच्छा, ना मिले तो खाली परम दे रखा है भाई, जैसे पूछे लगे इंडिया में इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर तो उसमें ऑप्शन आएंगे प्रत्यूष, परम, सिद्धार्थ, ठीक है। तो वो कौन सा था? वो है आपका परम, ठीक है। लेटेस्ट में इंडिया का जो चल रहा है वह प्रत्यूष एंड मिहिर, सीडिया कंपनी है भाई इंडिया की, सीडिया कहाँ लगा? पुणे, पुणे में। सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ, ब्लैक पनीरा सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर, इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर के पितामह कौन है भाई? विजय भाटकर जी, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास इतनी रखते हैं, कल के बाकी कल मिलेंगे भाई, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर बजाएं।